Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss very very important topic, which is the diagnosis in pregnancy, how we will confirm the pregnancy. So जैसे एक women को एक sign and symptoms मिलता है, कोई भी mother है उसको sign and symptoms मिलता है, तो वो जाके physician से appointment लेती है और उसको confirm करती है, yes it is a sign and symptoms of the pregnancy, now you are, the woman is the pregnant. So हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं प्रेगनेंसी को, तो ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें एक एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस में डेवलप होता है और वो फिर फीटस बनता है और उसका बर्थ होता है एक न्यूबॉर्न में. तो जो यूट्रस की लाइनिंग होती है जिसको हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं, जो कि हमारी इंडो जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है जो स्लप अप हो जाती है, लेकिन तो जब वो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है और वहीं जाके हमारा एम्ब्रियो जो होता है वहाँ इम्प्लांट होता है और वहीं फीटस जो प्लेसेंटा होता है वो डेवलप होता है और उसके बाद से एक बर्थ बेबी का बर्थ होता है. ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, यूजली 40 वीक की होती है, पूरे 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी जो होती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है. अगर पोस्ट डेटेड नहीं है, प्री टर्म नहीं है, तो एक वेमन जो होती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी 40 वीक की होती है. सो 280 डेज, लाइक अगर हम लोग डेज की बात करें तो 280 दिन की पूरी होती है और 10 ल्यूनर मंथ्स की होती है. 9 मंथ एंड 7 डेज की अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये फिक्स होती है कि 9 मंथ और 7 डेज की होती है नॉर्मल. हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट डे होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड का, अगर मतलब जून में लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड अगर 3 तारीख को आनी थी, मेंस्ट्रुएशन 3 को होना था, अगर वो नहीं हुआ है तो हम लोग 3 से कन्फर्म करेंगे, राइट. तो प्रेगनेंसी में मेनली 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है. फर्स्ट जो होता है वो जो फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी से लेकर 12 वीक तक होता है, फिर सेकंड होता है 13 to 28 वीक्स तक होते हैं, थर्ड जो होता है वो 29 to 40 वीक्स तक होते हैं. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सब्जेक्टिव साइन क्या क्या होते हैं हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के. तो एमेंड्रोया होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सुरेशन होता है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, फटीग होता है और फेंटिंग होता है. सो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. एमेंड्रोया क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव वुमेन होती है अगर उसमें मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता हो जाता है 9 मंथ के लिए, अगर मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो जाती है साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करती है, तो अगर एमेंड्रोया उसमें हो रहा है तो ये कॉमन है, लेकिन तो मे बी कभी डिजीज कंडीशन की वजह से भी हो जाता है. सो डू नॉट कन्फ्यूज विद द प्रेगनेंसी. तो उसके बाद से क्या होता है कि 12 अगर कोई वुमन जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है उसके बाद से अगर उसको 12 वीक में थोड़ी सी स्लाइटली ब्लीडिंग होती है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये एक प्लेसेंटल साइन है कि जो प्लेसेंटा होता है वो डेसिडुआ से जा करके 12 वीक में अटैच होता है, तो ये नॉर्मली स्लाइट ब्लीडिंग मिल सकती है देखने को. फिर मॉर्निंग सिकनेस, एक नॉर्मली क्या होता है कि एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर एक वुमेन, चाहे तो ये मल्टी ग्रेविडा हो चाहे तो प्रीमी ग्रेविडा, वो बताएगी आपको कि उसको नौजिया आ रही है, उसको वॉमिटिंग हो रही है. क्यों होता है ये नौजिया वॉमिटिंग, मेनली प्रीमी में क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है. और क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एसजीजी का लेवल प्रेग्नेंट वुमेन में बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है और स्टमक की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो मदर फूड ले रही होती है वो चर्न नहीं हो पाता है और वो ईजिली कम आउट हो जाता है. सो राइट, I hope you all understood. Next we'll discuss frequency of micturition. Frequency of micturition mainly की 8 to 12 weeks से होता है, क्योंकि जो बल्की यूट्रस होता है वो फंडस पे आके, जो बल्की यूट्रस होता है वो ब्लैडर पे आके रेस्ट करने लगता है. और मेनली ये भी हो सकता है रीजन कि जो ब्लैडर म्यूकोसा होता है उसमें कंजेशन हो जाए, या फिर मैटरनल ऑस्मोरेगुलेशन में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसकी थर्स्ट बढ़ जाती है और पॉलीयूरिया होने लगता है, तो ये भी एक तरह से हम लोग रीजन मान सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन के लिए, राइट.
नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट. क्यों होता है मदर को? क्योंकि उसको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, फ्रीकिंग सेंसेशन होता है 6 to 8 weeks ऑफ द स्पेशली प्रीमी ग्रेविटा में ज़्यादा होता है. जो मदर पहली बार प्रेग्नेंट हुई रहती है उसमें छठवें से आठवें हफ्ते में हम लोग देखते हैं कि मदर कंप्लेन लेके आएगी आपके पास कि उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस हो रहा है, उसको लग रहा है हैवी हैवी सा फील हो रहा है. तो आप मदर को बोलेंगे ये नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स है, कोई बीमारी की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, आप आराम से घर पे रेस्ट करो. नेक्स्ट है फटीक. फटीक क्यों होता है? मे बी मेनली ये फ्रीक्वेंट सिम्टम्स होता है जो कि मेनली प्रेग्नेंट वुमेन आके बताती है. मे बी उसको एनीमिया की प्रॉब्लम हो, मे बी उसका एचबी लेवल कम हो, मे बी उसको पहले से कोई डिजीज कंडीशन हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट है कि फर्स्ट ट्रेमेस्टर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव साइंस होते हैं. तो ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या था वो सब्जेक्टिव साइन था. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव साइन. ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस होते हैं, रिस्पायरेटरी चेंजेस होते हैं, इंटीग्योमेट्री चेंजेस होते हैं, मस्कुलोस्केलेटन चेंजेस होते हैं, एब्डोमेन एंड यूट्राइन चेंजेस होते हैं और पेल्विक चेंजेस होते हैं, राइट? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट द ब्रेस्ट चेंजेस वी कैन ईजली सीन इन द प्रेग्नेंट वेमेन. सो वी विल डिस्कस लाइक ब्रेस्ट जो होता है वो लार्ज हो जाता है और इसमें मिल्क आने लगता है. ये छठवें से आठवें हफ्ते तक होता है. और जो कोलोस्ट्रम होता है जिसको हम लोग येलोई सिक्रेशन होता है वो हम लोग 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोग देख सकते हैं. जो निप्पल होता है उसकी साइड में, एक मिनट, उसके साइड में ये क्या होता है, मोंटोगोनी ट्यूबरकल्स होते हैं. जैसे मतलब ये अगर है तो इसके किनारे किनारे ऐसे छोटे छोटे आप देखते होंगे, नोट किए होंगे, ऐसे सर्कल्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोंटोगोनी ट्यूबरकल्स. ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ये हमेशा रहते हैं लेकिन तो एक प्रेगनेंट वुमन में बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं, राइट? नेक्स्ट पर एब्डोमिन अगर हम लोग चेक करते हैं तो यूट्रस का अगर ये पेल्विक ऑर्गन रहता है लेकिन तो धीरे 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 करके ये एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है, राइट? तो अगर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग चेक करते हैं यूट्रस हमारा 12 वीक तक हमारा ये पेल्विक ऑर्गन ही रहता है लेकिन तो उसके बाद से क्या होता है, ये हमारा जीफॉइड प्रोसेस तक आता है, ये जीफी स्टर्नम तक आता है. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 36 वीक के बाद क्या होती है, लाइटनिंग होती है. तो ये 40 वीक में यूटरस थोड़ा सा नीचे आ जाता है, राइट? सो नेक्स्ट इज द पेल्विक चेंजेस क्या क्या होते हैं. फर्स्ट इट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइन विच इज़ द जैक मियर या फिर हम लोग चैडविक साइन बोलते हैं. इसमें जो हमारा वजाइना का एंटीरियर वॉल होता है वो थोड़ा डस्की ह्यू लाइक हो जाता है, मीन्स की ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है. और ये क्यों होता है, क्योंकि जो लोकल वैस्कुलर सप्लाई होती है उसमें कंजेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये डार्क ब्लूइश हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द वजाइनल साइन. कौन कौन से होते हैं, जो वजाइना की वॉल होती है वो सॉफ्टन हो जाती है और उनका जो सिक्रीशन होता है वो कॉपियस होता है, नॉन इरिटेटिंग होता है. अगर हम लोग देखते हैं तो लेटरल फोनिक्स में अगर हम लोग बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करके चेक करते हैं तो इन द 8 week वी कैन फील द पल्सेशन इन द लेटरल फोनिक्स, तो होता है वो ओसिएंडर साइन. अब यूटेराइन साइन क्या क्या होते हैं. जो यूट्रस होता है वो 6 week में एक मुर्गी के अंडे की बराबर होता है, राइट? फिर वो 8 week में एक क्रिकेट बॉल की बड़ा हो जाता है और जैसे जैसे वो 12 week का होता है वो फीटस के हेड के बराबर आ जाता है. तो अगर यूट्रस का एक इनलार्जमेंट हो रहा है जो कि एसिमेट्रिकल तरीके से होता है, लाइक पहले जो होता है वो ऊपर के जो यूट्रस का अपर पार्ट है उसमें यूट्रस बेबी जो होता है वो ग्रो करता है, फिर नीचे के पार्ट में ग्रो करता है, तो एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट होता है यूट्रस का, जिसको हम लोग पिस्केक साइन बोलते हैं. अब हिगार साइन क्या होता है. हिगार साइन जो होता है वो 6 to 8 week में मेनली हम लोग फाइंड आउट करते हैं. इसमें क्या होता है, जब अगर हम लोग बाई मैनुअली एग्जामिनेशन करते हैं, 2 finger को अगर हम लोग एंटीरियर फोनिक्स में डालते हैं और जो हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको हम लोग एब्डोमेन पे रखते हैं, तो हम लोग को ऐसा फील होता है कि यूट्रस को हम लोग
जब फील करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दोनों जो हाथ के फिंगर्स होती हैं वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही होती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। ये देखो कि हम लोग एक बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किए, अपने हाथ को हम लोग फिंगर्स को इंसर्ट किए और एक जो नॉन डोमिनेटिंग हैंड है उसको हम लोग एब्डोमेन के ऊपर रखें। तो जब एब्डोमेन के ऊपर रखते हैं और एक दूसरे यूट्रस को फील करने की कोशिश करते हैं तो हमको ये फील होता है कि जो हमारे दोनों फिंगर्स हैं वो मिल जाती हैं। क्यों मिल जाती है? क्योंकि अभी तो वो पेल्विक ऑर्गन ही रहता है और एक दूसरे को अपोज करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेगार साइन, और हेगार साइन ही एक ऐसा साइन है जिसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके पता करते हैं। तो ये एग्जाम्स में मेनली पूछता है कौन सा साइन ऐसा होता है जिसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके फाइंड आउट करते हैं, तो दैट विल बी द हेगार साइन, राइट। सो नेक्स्ट विल मूव, एक बार और आप फिगर में देख सकते हो कि ये हमारा फिंगर गया और ये हमने एक नॉन डोमिनेंट हैंड अपने मदर के एब्डोमेन पे रखा, तो एक दूसरे को ये अपोज कर रही है। यहाँ भी आप देख सकते हो, राइट। आप लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में। हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं जिसमें आता है ए ग्लूटिनेशन टेस्ट, डिपस्टिक टेस्ट, ये हमारा एंजाइम लिंकेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टेस्ट। फिर हम लोग सीरम टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे FIA हो गया हमारा, फ्लूरो इम्यूनो एस्से, रेडियो इम्यूनो एस्से, इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एस्से और एलिजा। ये सारे टेस्ट हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में करवाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अब सेकेंड ट्राइमेस्टर की, मतलब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, मदर को जो भी साइन एंड सिम्टम्स से दिख गए। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव साइन होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव साइन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव साइन क्या क्या होते हैं, स्किन चेंजेस होते हैं जिसको हम लोग कोलाजमा बोलते हैं, वजाइनल चेंजेस होते हैं और एब्डोमिनल साइंस होते हैं। तो पहला हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्विकनिंग। क्विकनिंग होती क्या है, तो क्विकनिंग ऐसा नहीं है कि बेबी मूव करता है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें फीलिंग ऑफ लाइफ होती है, जो मदर होती है वो एक एक्टिव फील महसूस करती है अपने बेबी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्विकनिंग, जो कि 18th वीक में मदर फील करती है। और क्या होता है जो इसको हम लोग क्विकनिंग बोलते हैं। और दूसरा साइन क्या हो सकता है, सिम्टम क्या हो सकता है, प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट होता है लोअर एब्डोमेन का। तो क्योंकि हमारा यूट्रस जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है, मदर का यूट्रस ग्रो कर रहा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक इनलार्जमेंट हम लोग देखते हैं। कोलाजमा क्या होता है, पिगमेंटेशन होता है जो कि फॉरहेड या फिर चीक में मदर को 24 वीक में देखने को मिल सकते हैं। इसको हम लोग बटरफ्लाई फेस मास्क ही बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये है हमारा कोलाजमा, ये मदर को प्रेगनेंसी में फील होता है, फिर उसके बाद से दिखता है, फिर उसके बाद से ये अपने आप गायब हो जाता है जब वो बेबी डिलीवर कर देती है। फिर ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं, जो हमारे वेंस होते हैं, जो कि ब्रेस्ट मदर की वेंस होते हैं ब्रेस्ट में, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सेकेंडरी एरियोला मदर को दिखने लगता है, लाइक अगर ऐसे हमारा ये प्राइमरी एरियोला है तो ये सेकेंडरी एरियोला बन जाता है, उसमें हमारे मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जो वेंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली हमको दिखने लगती हैं ऐसे, राइट। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं तो लीनिया नाइग्रा हम लोग को दिखता है, एक लाइन होती है जिफॉइड प्रोसेस से लेकर जिफॉइड सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के जिफी स्टर्नम तक जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। एक स्ट्रेट लाइनिंग होती है, ये जो होती है नॉन प्रेगनेंट वेमन में भी होती है, लेकिन तो वो प्रोमिनेंट नहीं होती है, हम लोग को उतना पता नहीं चलता है। लेकिन तो जो प्रेगनेंट वेमन हो जाती है तो उसमें ज़्यादा ये पता चलता है। और ये स्ट्राया ग्रेविडेरम ये है हमारा स्ट्राया ग्रेविडेरम। ये देखो ऐसे ऐसे लाइनिंग आपको दिख रही है, ये इसी को बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडेरम, जो कि जो मदर होती है उसके फ्लैंक्स एरिया में उसके एब्डोमेन पे ये निशान पड़ जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्राया ग्रेविडेरम। और जो मदर होती है उसको फीटल हार्ट साउंड बहुत ही ईजिली मिलने लगता है 18 टू 20 वीक्स में, जो कि नॉर्मल क्या होता है 120 to 160 बीट्स पर मिनट। क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सोनोग्राफी करवाते हैं,
MRI करवाते हैं और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर की। इसमें भी कुछ सब्जेक्टिव साइन होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव साइन होते हैं। एमेनोरिया जो कि हमारा पॉसिस्ट होता है, ये हमारा पहले वीक से लेकर के हमारा 40 वीक तक ये पॉसिस्ट करता है एमेनोरिया। और इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन होती है और लाइटनिंग हो जाती है। लाइटनिंग वही होता है जो कि जिफॉइड प्रोसेस से थोड़ा हमारा यूट्रस नीचे चला आता है 14 वीक में या फिर 36 वीक में ही हो जाता है मल्टी ग्रेविडा में लाइटनिंग। तो उसी को और मदर जो होता है वो फीलिंग ऑफ रिलीफ रिलैक्स फील होता है। मदर बहुत ही थोड़ा आराम फील कर रही होती है क्योंकि उसका यूट्रस थोड़ा नीचे चला जाता है, क्योंकि मदर को पहले तो बहुत दिक्कत हो रही होती है सांस लेने में, लेकिन तो जब मदर थोड़ा उसका यूट्रस नीचे जाता है तो उसको फीलिंग ऑफ रिलीफ मिलता है, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द साइन। व्हाट इज द साइन वी कैन सीन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो हमारा हम लोगों ने बात किया ना, ये स्ट्राया ग्रेविडेरा में लीनिया नाइग्रा जो होती है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, जो फ्लैंक एरिया में एब्डोमेन एरिया में जो हमारे निशान पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जो यूट्राइन शेप होता है वो चेंज हो जाता है, जो कि सिलेंड्रिकल में रहता है वो क्या हो जाता है स्फेरिकल शेप में हो जाता है, राइट। जो फंडल की हाइट रहती है वो बढ़ जाती है, हेड जो होता है वो फ्लोटिंग होने लगता है और ये क्या करता है हेड जो है वो 14 वीक में जाके इंगेज हो जाता है, राइट। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू डिड नॉट हैव सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।